हेलो गाइस, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक अप्लाई स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट ऑफ यूनिट वन, दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। सो इस यूनिट में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्टाइल्स एंड कैटेगरी इन अ वर्ड प्रोसेसर, सेकंड वन अप्लाइंग स्टाइल, थर्ड वन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो, फोर्थ फील्ड फॉर्मेट, नेक्स्ट वन क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, नेक्स्ट वन लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट, एंड लास्ट वन इज क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। सो सबसे पहले व्हाट इज स्टाइल, स्टाइल होता क्या है। स्टाइल आर अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट, फ्रेम्स एंड अदर एलिमेंट इन योर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। Applying a style often means applying a whole group of formats at the same time. मतलब अगर आप स्टाइल को यूज़ करोगे तो आप फॉर्मेटिंग क्विकली कर सकते हो, एक ही टाइम पे सारी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। फॉर्मेटिंग मीन्स लाइक आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उस डॉक्यूमेंट में आप उसमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक एक ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा। लाइक बोल्ड करना है, बोल्ड पे क्लिक करो, कंट्रोल प्लस बी। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो फॉन्ट साइज इंक्रीज के लिए ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा। फॉन्ट कलर करना है तो फॉन्ट कलर को यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करना पड़ता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन अगर आप स्टाइल को यूज़ करोगे, वो एक ही ऑप्शन को क्लिक करके आप पूरे डॉक्यूमेंट में स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। सो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुआ और साथ में ये ईजिली हो गया। उसके बाद जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं, हमारे पास मेन्यू बार, देन उसके बाद टूल बार होता है। टूल बार में हमारे पास फर्स्ट वन स्टैंडर्ड टूल बार, देन फॉर्मेटिंग टूल बार होगा। फॉर्मेटिंग टूल बार में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर। इस तरह से आपको अगर इस तरह से ऑप्शन को यूज़ करना है, पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर लो, फॉन्ट साइज, इस तरह से आपको ऑप्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। लाइक मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, देन उसके बाद फॉन्ट फेस को चेंज कर रही हूँ। देन इसी तरह से अगर मुझे फॉन्ट साइज होता तो मैं फॉन्ट साइज ऑप्शन को यूज़ करती, देन उसके बाद बोल्ड। काफ़ी टाइम लगता, लेकिन अब स्टाइल को यूज़ करेंगे, ईजिली आपका स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। कैसे करना है, हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स है जिसमें स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट वन, फॉर्मेटिंग टूल बार से स्टाइल ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। सेकंड, स्टाइल मेन्यू पे क्लिक करके स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। लास्ट, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 को क्लिक कीपैड से प्रेस कीजिए और आप इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो। कैसे करेंगे वो हम करेंगे अब अप्लाई स्टाइल। उसके लिए सबसे पहले मैं फॉर्मेटिंग टूल बार से ऑप्शन को यूज़ कर रही हूँ। फॉर्मेटिंग टूल बार में मैंने स्टाइल्स पे क्लिक किया है। इस तरह से हमारे पास ड्रॉप डाउन अपेयर हुआ है, डिफरेंट स्टाइल्स है लाइक हेडिंग, डिफॉल्ट साइज, टेक्स्ट बॉडी, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री एट्सेट्रा। इस तरह से आपको पहले तो पैराग्राफ को या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपको स्टाइल लेना है, लेकिन लाइक मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉडी लिया है, टेक्स्ट बॉडी क्लिक किया, टेक्स्ट बॉडी क्लिक करूँगी, इस तरह से वो आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई स्टाइल पसंद नहीं है, देन उसके बाद मोर स्टाइल पे क्लिक कर लीजिए। ड्रॉप डाउन में लास्ट में ऑप्शन है मोर स्टाइल, मोर स्टाइल पे क्लिक करेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड में टास्क पेन अपेयर होगा। टास्क पेन में डिफरेंट स्टाइल के ऑप्शंस आ जाएगी। डिफरेंट ही स्टाइल्स के ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। टास्क पेन में सिलेक्ट करने के बाद वो आपकी जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे वो आपके डॉक्यूमेंट में चेंजिंग हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड मेथड था स्टाइल मेन्यू पे क्लिक करके। स्टाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, इस तरह से आपकी सब मेन्यू अपेयर हुए हैं। सब मेन्यू पे स्टाइल ऑप्शन है,
साथ में शॉर्टकट की भी लिखी होगी। इस तरह से आप उस पर क्लिक करोगे, स्टाइल मेन्यू ओपन, टास्क पेन ओपन होगा। यहाँ पे टास्क पेन से सेम ऑप्शन स्टाइल को सिलेक्ट कीजिए, डिफरेंट स्टाइल, देन वो आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू स्टाइल्स। न्यू स्टाइल कैसे बनाना है, न्यू स्टाइल मतलब क्या हुआ? अगर आपने अपना कोई स्टाइल क्रिएट करना है, आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग कोई स्टाइल बने, जैसे वहाँ पे हमने ऑप्शन किए डिफरेंट स्टाइल्स थे लेकिन वो स्टाइल डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, लेकिन अगर आप चाहते हो आप अपना कोई स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो, देन आप कौन सी ऑप्शन यूज़ करोगे? न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल को कैसे क्रिएट करना है? बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप क्रिएट कर सकते हो, स्टाइल मेन्यू पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो, एंड लास्ट ऑप्शन शॉर्टकट की दैट इज शिफ्ट प्लस F11 को यूज कर सकते हो। सो अब मैंने जैसे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिया है, उसमें मैंने अपना स्टाइल क्रिएट किया, उसमें फॉन्ट साइज ले लिया 15, मैं फॉन्ट साइज ले रही हूँ। उसमें मैंने कुछ डॉक्यूमेंट को, पैराग्राफ को बोल्ड किया है, कुछ वर्ड्स को बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, जस्ट किस तरह से उसको जस्टिफाई रखना है, सेंटर करना है, इस तरह से मैंने उसकी सेटिंग कर ली। देन सेटिंग करने के बाद मैंने क्या किया, अगेन फर्स्ट ऑप्शन स्टाइल मेन्यू पे क्लिक किया, स्टाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन यूज की न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल, न्यू स्टाइल या शिफ्ट प्लस F11 उस तरह ऑप्शन यूज करोगे, देन एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। डायलॉग बॉक्स में आपने स्टाइल नेम देना है, आपने एडिटिंग कर ली है, देन स्टाइल का नेम दे दो। मैंने स्टाइल नेम दिया है ITES दिया, देन क्लिक ओके पे किया। ओके पे क्लिक करके टास्क पेन में चेक करना, ITES स्टाइल अपेयर हो गया, इसको आप अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। ये सेव हो गया है, जब भी आप अपने राइटर जब भी ओपन करोगे ये ITES स्टाइल हमेशा अपेयर होगा, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड में क्या होता है, जैसे आपने स्टाइल क्लिक किया है, स्टाइल बना लिया अपना, जैसे जो भी आपने फॉन्ट साइज वगैरह लिया, उसको माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके टास्क पेन पे ड्रॉप करना है। ड्रैग करोगे डॉक्यूमेंट से, ड्रैग करोगे, देन ड्रॉप कहाँ पे करना है, स्टाइल पे। इस तरह से आप टास्क पेन जो है वहाँ पे आपने ड्रॉप कर देना है, इस तरह से आपके स्टाइल आपका क्रिएट होगा। न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स आएगा, देन उसमें आपने नेम देना है, देन ओके। नेक्स्ट टॉपिक है स्टाइल कैटेगरी इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में स्टाइल की डिफरेंट कैटेगरीज है, लाइक हमारे पास एक सिंपल स्टाइल है, जैसे मैंने हेडिंग वन हेडिंग टू वो लिया था, वो डिफॉल्ट वहाँ पे सिंपल हमारा आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हो डिफरेंट स्टाइल्स क्रिएट करना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट कैटेगरीज है। फर्स्ट जो हमने पहले की थी डेट इज पैराग्राफ स्टाइल, उसके बाद पैराग्राफ स्टाइल, पेज स्टाइल, करेक्टर स्टाइल्स, टेबल स्टाइल्स, फ्रेम स्टाइल्स, लिस्ट स्टाइल्स, सेल स्टाइल्स, ग्राफिक स्टाइल्स, एंड लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन स्टाइल। हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस भी है इसमें स्टाइल्स है जो हम प्रेजेंटेशन या एक्सेल में करेंगे, दैट इज स्प्रेडशीट पे करेंगे। जो हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर में है, वी हैव ओनली सिक्स ऑप्शंस। सिक्स में फर्स्ट वन पैराग्राफ स्टाइल, करेक्टर स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल है, ग्राफिक स्टाइल है, टेबल स्टाइल है, इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस है। पर्टिकुलर आप जिस पे क्लिक करोगे टास्क पेन में चेक करना, मैंने फर्स्ट में पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक किया है, ये सब पैराग्राफ स्टाइल्स आए हैं। अगर मैं करेक्टर स्टाइल पे ए पे क्लिक करूँगी, वो सब करेक्टर स्टाइल आएंगे। इस तरह से आप उसको स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो। अगेन अगर आपको स्टाइल्स कैटेगरीज यूज करनी है डिफरेंट डिफरेंट, तो आप क्या कर सकते हो, टास्क पेन पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे मैंने पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक किया है, आप उसके बाद ए पे क्लिक कर सकते हो, टेबल ए का मतलब करेक्टर स्टाइल, लास्ट में टेबल स्टाइल है, इस तरह से आप स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है लोड स्टाइल। स्टाइल को कैसे लोड करना है, लोड का मतलब क्या होता है, लोड उठाना, लोड मतलब उठाना, तो लोड स्टाइल मतलब अगर आपका कोई स्टाइल आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में या स्मार्टफोन मोबाइल्स में है,
तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप स्टाइल को लोड कर सकते हो राइटर में, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आपने इस तरह से टास्क पेन पे चेक करना, प्लस साइन दिया है, प्लस साइन पे क्लिक करना है। वहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, लास्ट वन इज लोड स्टाइल। इस तरह से कर सकते हो, या स्टाइल मेन्यू पे क्लिक करके लोड स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। सो हम इस मेथड को कर रहे हैं, प्लस स्टाइल, प्लस साइन पे क्लिक करके लोड स्टाइल। लोड स्टाइल पे क्लिक करोगे, लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स में वी हैव डिफरेंट ऑप्शन लाइक माई टेम्पलेट्स, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। सो मैंने सिलेक्ट किया, सबसे पहले हम करेंगे लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट, टेम्पलेट से स्टाइल लेना है। तो कैसे करेंगे, लोड स्टाइल पे क्लिक किया, कैटेगरीज में मैंने सिलेक्ट किया माई टेम्पलेट। माई टेम्पलेट में मैंने जब क्लिक किया तो टेम्पलेट्स में डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। मैम आई हैव ओनली वन, डेट इज़ क्लास 10th। 10th का मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट किया है, 10th पे क्लिक किया, देन उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो वो आपका स्टाइल माई टेम्पलेट से लोड हो जाएगा। तो कैसे लोड किया, सबसे पहले क्या किया, स्टाइल मेन्यू से लोड स्टाइल ऑप्शन को ओपन किया, या टास्क पेन पे प्लस साइन को किया, लोड स्टाइल ऑप्शन को यूज़ किया। डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ लोड स्टाइल का, लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स में मैंने माई टेम्पलेट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, माई टेम्पलेट में मैंने टेम्पलेट्स को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद ओके बटन को प्रेस किया तो वो टेम्पलेट आपका बन जाएगा, लोड हो जाएगा। देन उसके बाद फ्रॉम फाइल, फाइल से टेम्पलेट को लोड करना, सेम उसके लिए स्टाइल मेन्यू से लोड स्टाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लोड स्टाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, देन फ्रॉम फाइल में से आपको जहाँ से भी आपकी फाइल से आप लेना चाहते हो, लाइक आपने स्प्रेडशीट का बनाया है, प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, उस तरह से कोई भी स्टाइल ले सकते हो। स्टाइल लेने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करोगे तो वो आपका स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद है हाउ टू मॉडिफाई और एडिट योर स्टाइल। आपने अगर कोई स्टाइल बनाया है उसको एडिट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ITS एक स्टाइल बनाया था, आप चाहते हो उसे एडिट करना है, तो कैसे करेंगे, अगेन स्टाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। स्टाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद एडिट ऑप्शन पे, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम ऑप्शन जब क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। डायलॉग बॉक्स पे आप उसमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर, जस्टिफाई, अलाइनमेंट, कुछ भी जो भी सेट करना है वो सेट कीजिए, देन क्लिक करना है अप्लाई बटन पे, एंड लास्ट वन क्लिक करना है ओके बटन पे। तो ये आपका स्टाइल मॉडिफाई और एडिट हो जाएगा। अब हमने क्या क्या इस पे किया, सबसे पहले क्या किया, कैसे स्टाइल को क्रिएट करते हैं। स्टाइल क्रिएट करने के लिए हमने, हमारे पास 3 ऑप्शंस थी, कौन कौन सी थी, फर्स्ट वन इज स्टाइल मेन्यू पे क्लिक किया, देन स्टाइल पे और फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड वन फॉर्मेटिंग टूल बार में स्टाइल ऑप्शन को यूज़ किया, ड्रॉप डाउन से डिफरेंट स्टाइल्स को हमने सिलेक्ट किया, एंड लास्ट वन इज शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट हमने किया हाउ टू लोड स्टाइल बाय यूजिंग टेम्पलेट और फाइल, कैसे स्टाइल को लोड करेंगे टेम्पलेट और फाइल से। तो उसके लिए स्टाइल मेन्यू पे क्लिक किया था, स्टाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद लोड स्टाइल ऑप्शन, लोड स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ था, वहाँ हमने माई टेम्पलेट सिलेक्ट किया। माई टेम्पलेट से माई टेम्पलेट ऑप्शंस में हमने डिफरेंट टेम्पलेट सिलेक्ट किया, देन ओके। सेम फ्रॉम फाइल पे हमने कैसे किया, स्टाइल मेन्यू, अगेन लोड स्टाइल, लोड स्टाइल के बाद वही लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ, देन फ्रॉम फाइल बटन पे क्लिक किया। फ्रॉम फाइल बटन पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया था, साइज अपना जो स्टाइल क्रिएट था उसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस किया। नेक्स्ट हमने हाउ टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल, न्यू स्टाइल कैसे क्रिएट किया था हमने। न्यू स्टाइल क्रिएट करने के लिए हमने एक तो स्टाइल मेन्यू पे क्लिक किया था,
सेकेंड वन ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, एंड थर्ड वन ने शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की प्रेस की थी। इन तीनों में से आप कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट हमने हाउ टू मॉडिफाई और एडिट स्टाइल, मॉडिफाई और एडिट स्टाइल कैसे किया था, उसके लिए अगेन स्टाइल मेन्यू, देन उसके बाद एडिट स्टाइल ऑप्शन, अ डायलॉग बॉक्स अपेयर। डायलॉग बॉक्स अपेयर होने के बाद हमने क्या किया था, डिफरेंट स्टाइल्स कैटेगरी फॉर्मेटिंग की थी, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनर, अलाइनमेंट, साइज, फेस, व्हाटएवर हमने डिफरेंट ऑप्शन की थी, देन ओके। इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करके स्टाइल को एडिट किया था। तो स्टाइल चैप्टर हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।